नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y51A वर्सेस Oppo A16 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y51A में 2.96 इंच जबकि A16 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y51A में 0.33 इंच जबकि A16 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Y51A में 188 ग्राम्स जबकि A16 में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y51A में 21:9 जबकि A16 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y51A में 6.58 इंचेस जबकि A16 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y51A में 1080x2408 और A16 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y51A में 84.75% जबकि A16 में 82.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y51A में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A16 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y51A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और A16 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y51A में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A16 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y51A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A16 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y51A में Adreno 610 जबकि A16 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y51A में Qualcomm Snapdragon 662 और A16 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Y51A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y51A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y51A में अप टू 1TB जबकि A16 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y51A में 2 कलर्स जबकि A16 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y51A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,989 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,790 रुपीस में मिलता है। और बात करें A16 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y51a में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A16 की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y51a आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y51a आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31s है, दूसरा Vivo V20 है, तीसरा Oppo F17 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 SE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।